आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड। सर क्या गा रहे हो, ये क्या आज कहना क्या चाहते हो आप? सर हमको बताओ, डायरेक्टली बताओ। जेई में पूछा गया सवाल है, जेई वालों जग जाओ, वेक अप, ठीक है? यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है? पढ़ाई आपकी अच्छे से चल रही है, ये सामने है, आप एग्जाम में बैठे हो, सामने आपके सवाल है, कौन से टॉपिक में से है जल्दी बताओ। सर आप ही बता दो, हमें हमारे इतनी तैयारी नहीं हो। जिन लोगों ने ये टॉपिक पढ़ा होगा या जेई की अच्छी तैयारी चल रही है अभी इस वक्त पे, तो सबको पता चल जाना चाहिए कौन सा टॉपिक है, ठीक है? ऑफ कोर्स सर हम बता भी सकते हैं। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, सर हमारे साथ पढ़ सकते हो आप? चलो पढ़ लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेट बीटा एंड अल्फा बी दी टू रूट्स, ये क्या है, दो रूट्स है। एक इक्वेशन दिया है, किस टाइप का इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर। तो समझ तो गए हैं सर कि क्वाड्रेटिक से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सवाल है। ओके, विथ अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा इफ ए एन, ऐसा कुछ तो दिया है, ये वाला देख रहे हो आप, वेयर एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू वन, देन द वैल्यू ऑफ दिस क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी पूछा है, ठीक है? ऑप्शंस हमारे पास हमेशा रहते हैं। चलो सर बताइए दो हमको, जब वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है इस तरह का सवाल, तो ध्यान देना है, ठीक है? तो कहाँ पे पूछा गया है सर? जेई मेन में भी पूछा है और जेई एडवांस में भी पूछा है, ठीक है? तो इग्नोर नहीं करना है, डोंट टेक इट इजीली। और हर एक सवाल, मैं जितने भी सवाल लेता हूँ इम्पॉर्टेंट होते हैं, मैं कोई भी सवाल नहीं उठाता हूँ, ठीक है? तो हर एक वीडियो का हर एक सवाल इम्पॉर्टेंट है, जेई वालों ध्यान में रखो, ठीक है? तो जब सर ये समझ तो गया कौन सा टॉपिक है, सॉल्व कैसे करना है, इस तरह ये भी बताओ, इसकी कोई ट्रिक वगैरह होती तो वो भी बताओ, इसको कैसे करते हैं। जब जब आपको क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया रहेगा, यहाँ पे माइनस या प्लस भी हो सकता है, डजेंट मैटर, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा, ये दोनों चीज़ें अगर दी रहे इक्वेशन में दी है, ये दोनों चीज़ें अगर इक्वेशन में दी है, तो आपको फटाक से क्लिक होना चाहिए। क्या क्लिक होना चाहिए सर? न्यूटन्स फॉर्मूला। अच्छा सर, ये फॉर्मूला तो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये क्या चीज़ है हमें बता दो। नो प्रॉब्लम, पता है तो अच्छी है, नहीं पता है तो ध्यान दो, ठीक है? सर हम ध्यान दे रहे हैं, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है उसको ध्यान से देखना है, ठीक है? क्या दिया है एक बार लिख के ले लो सर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है? टू। यहाँ पे एक्स की पावर कुछ नहीं मतलब वन, और यहाँ पे एक्स ही नहीं मतलब एक्स रेस टू जीरो है। आपको करना क्या है सर? जहाँ पे एक्स स्क्वायर है वहाँ पे ए एन रखना है, एक्स रेस टू वन या फिर एक्स है वहाँ पे आपको क्या करना है, एक कम कर देना है ए एन माइनस वन, और जहाँ पे कांस्टेंट है इसका मतलब एक्स रेस टू जीरो है वहाँ पे आपको क्या करना है, और एक बार कम करना है ए एन माइनस टू। मतलब कांस्टेंट के पास यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब एक्स रेस टू जीरो होता है और यहाँ पे एक्स रेस टू वन होता है, ठीक है? तो एक्स स्क्वायर, एक्स रेस टू वन और एक्स रेस टू जीरो की जगह पे ये मैं रिप्लेस कर रहा हूँ, तो इक्वेशन कैसे दिखेगा ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है? आपके लिए एक्स स्क्वायर की जगह पे सर ने क्या बोला है, यही न्यूटन्स फॉर्मूला है, ठीक है? ध्यान दो, यहाँ पे ए एन एक्स स्क्वायर की जगह पे ए एन रख दिया, ये सिक्स का क्या करेंगे सर, एज इट इज रख दो, और x की जगह पे क्या बोला है, x मतलब एक्स रेस टू वन ए एन माइनस वन। अच्छा, आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो x की जगह पे, और जो कांस्टेंट है जो टू रहेगा उसके पास क्या लिखना है, ए एन माइनस टू इक्वल टू जीरो एज इट इज। ये फॉर्म ध्यान में आया आपको, मैंने सिंपली क्या किया है, इसकी जगह पे ए एन एक से कम किया ए एन माइनस वन, और फिर इसके साथ क्या लिया ए एन माइनस टू, फिर से एक से कम किया एन एन माइनस वन एन माइनस टू। अच्छा सर आगे बताओ, यहाँ तक तो समझ में आ गया, ऐसा करना है इतना तो समझ में आ गया, लेकिन सर ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा उसकी वजह से, अब इसको ध्यान से देखना है, ये वाली चीज़ है, इसको ध्यान से देखना है। यहाँ पे ए एन है
सबसे बड़ा एन है, फिर छोटा एन माइनस वन होगा, राइट, एक से कम, फिर उससे उसमें एक से कम एन माइनस टू। तो इसमें सबसे बड़ा क्या है, टेन है, यहाँ पे ए टेन है, यहाँ पे टू ए एट है, यहाँ पे टू ए नाइन है, तो सबसे बड़ा टेन है, तो एन की जगह पे मैं टेन रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा टेन है इसलिए, तो एन यहाँ पे सबसे बड़ा कौन है, एन, तो यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, टेन चाहिए, इसलिए मैं एन की जगह पे अगर टेन रखता हूँ, यहाँ पे एन की जगह पे क्या रख रहा हूँ, मैं टेन रख रहा हूँ, तो कैसे होगा ये, सॉरी अपने ब्लू इंक से ही लिखता हूँ, ए टेन माइनस सिक्स, यहाँ पे टेन, टेन माइनस वन ए नाइन प्लस, सॉरी माइनस टेन माइनस टू ए टेन ए नाइन ए एट, ए टेन ए नाइन ए एट, वेरिएबल्स तो आ गए बराबर, उसमें जो चाहिए वो तो आ गया, अब आपको बस एडजस्ट करना है, इधर का उधर उधर का उधर, इस फॉर्म में ला के लेना है बराबर। ए ए नाइन की टर्म नीचे है इसलिए मैं क्या करता हूँ, ए टेन माइनस टू एट, देख रहा है, एज इट इज ए टेन माइनस टू एस, इधर ही रखता हूँ मैं, क्योंकि इधर एक साथ है वो, इसलिए, तो कैसे हो जाएगा ये, ए टेन माइनस ए एट और सिक्स ए नाइन इधर लेके गया, सॉरी टू ए एट है राइट, तो यहाँ पे टू आ जाएगा। ओके सर, अब हमको ए नाइन की टर्म जो है वो नीचे चाहिए, लेकिन सिक्स ए नाइन नीचे नहीं चाहिए, सिर्फ टू ए नाइन नीचे चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना अपन, ए टेन माइनस टू ए एट इज इक्वल टू, इसमें तो अगर सिक्स में से टू साइड में निकालना है तो ऐसे लिख सकते हैं ना, थ्री इंटू टू, सिक्स मतलब क्या होता है, थ्री इंटू टू और ए नाइन एज इट इज। अब सिर्फ इसको नीचे लेके आता हूँ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टू ए नाइन चाहिए हमको, तो मैं क्या करता हूँ, ए टेन माइनस टू ए एट अपॉन टू ए नाइन, ये नीचे आ गया, इधर क्या बचा, थ्री हो गया, कितना आया इसका आंसर सर, थ्री आया, कौन सा ऑप्शन सर, सर सी ऑप्शन सर, सर ये तो बहुत आसान था सर, हमको तो लग रहा था बहुत कुछ करना पड़ेगा, बराबर, और इतना जो सर आपने लिखा है सर, हमको तो पता है हम जेई देने वाले, इतना सब कुछ तो लिखते नहीं बैठेंगे, हमारी प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आपने समझाने के लिए इतना सब कुछ लिखा है, लेकिन इतना टाइम हमको नहीं लगने वाला, क्यों, क्योंकि बहुत सारे स्टेप, ये क्यों लिखेंगे हम, नहीं लिखेंगे सर, डायरेक्टली ये इक्वेशन आ जाएगा मेरा, और इससे डायरेक्ट ये आ जाएगा दिमाग में, आधे से ज़्यादा तो दिमाग में कर लेंगे, क्योंकि हम प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करते हैं और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ चुका है हमें, क्योंकि पढ़ाई उतनी करते हैं सर हम हमारे साथ ईमानदार हैं, खुद के साथ, दुनिया के साथ बाद में देखते हैं यार, पहले खुद के साथ ईमानदार रहो, खुद की नज़र में बने रहो, मतलब खुद की इमेज, खुद की नज़र में कभी गिरने नहीं देना है बराबर, तो ज़िंदगी में आप कभी फेल नहीं होंगे, ठीक है, तो अभी इस वक्त करना क्या है, पढ़ाई, अभी आपको करना क्या है, ज़िंदगी का आपका दौर कौन सा है, सिर्फ पढ़ाई का दौर है, तो सर मेरा अभी काम यही है, एक साल दो साल जो भी है मैं वही करने वाला हूँ सर, बाद में देखते हैं जो भी, ठीक है, जिस वक्त जो काम करना है वो मुझे समझ में आ गया है, ठीक है, तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, और इस तरह से मैंने समझाया न्यूटन्स फॉर्मूला कब आपके दिमाग में आना चाहिए, फिर से बताता हूँ, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ऐसे वाला कुछ दिखेगा, अल्फा रेस्ट एन, बीटा रेस्ट एन, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है, तब न्यूटन्स फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए, क्लियर।